हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एचपी जीके सीरीज में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट के आधार पर कितने भागों में विभाजन किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश या ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसमें मैंने बताया था कि जो वैगनार है उन्होंने थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक। एक्चुअली वो वैगनार की जो थ्योरी थी वो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात की थी। और दूसरा जो मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालयास है उनकी हाइट है 4500 मीटर से 700 मीटर, ये 700 मीटर नहीं होगा, ये होगा 7500 मीटर। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश को 5 जो क्लाइमेट जोन है उसमें विभाजित किया गया है। वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन और ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वेट सब टेम्परेट जोन की। इसके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्लाइमेट के आधार पर जो हिमाचल प्रदेश को विभाजित किया गया है वो क्यों किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मतलब किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो वहाँ की जो मतलब जो लोकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है और उसकी जो मतलब पर्वतीय ढलान कैसी है और वहाँ पर जो वो मतलब वर्षा कितनी होती है और जो धरातलीय ऊंचाई जो है कितनी है, इन सभी पर जो है डिपेंड करती है। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो लोअर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो है उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जो वनस्पति वो मिलती है, और जो मिडल जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश का वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय और हायर हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर अल्पाइन या टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पति है वो मिलती है। जो वन है या फॉरेस्ट जो है वो 3500 मीटर की हाइट तक ही देखने को मिलते हैं। इससे जो अधिक ऊंचाई पर है वहाँ पर हमें अल्पाइन घास जो है देखने को मिलती है, और 4500 मीटर से मीटर या उससे अधिक जो हाइट पर है हमें बर्फ देखने को मिलती है। अब हम इन सभी के बारे में जो है एक एक करके बात करते हैं वेट सब टेम्परेट के बारे में। यह जो है रेनी एरिया होता है, यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है बारिश होती है और यहाँ पर जो है कैश क्रॉप आपको देखने को मिलती है। इसमें जो आपके क्षेत्र आते हैं वो आते हैं धर्मशाला, पालमपुर जो कि दोनों कहाँ पड़ते हैं कांगड़ा में, और जोगिंदर नगर मंडी का और डलहौजी चंबा का। ये हमें वेट सब टेम्परेट जोन में देखने को मिलते हैं। अब है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन जो कि अल्पाइन पास्चर के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, इसकी जो हाइट है वो है 1800 मीटर से 2200 मीटर के मध्य, और यहाँ पर जो है जो यहाँ का जो टेम्परेचर है मॉइस्चर वाला और ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर। और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो है कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के जो क्षेत्र है इसमें देखने को मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो जोन आता है वो आता है ड्राई टेम्परेट जोन, जिसमें कि लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर देखने को मिलता है। पांगी क्षेत्र जो है चंबा का देखने को मिलता है। इसको शुष्क समशीतोष्ण जो है जोन बोला जाता है, जिसकी जो हाइट है वो जो है 2200 मीटर से अधिक है, और ये जो रीज़न है वो सीड्स की जो कंजर्वेशन है उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज है उनका संरक्षण किया जाता है। अब आता है ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, जिसमें कि मंडी, नाहन, नाहरलगढ़, नूरपुर आ जाते हैं, और जो लास्ट है हमारा वो है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, जिसमें कि आ जाता है ऊना, पौंटा, कांगड़ा का इंदौरा। ऊना जो रीजन है वो आज ऊना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सिरमौर से पौंटा साहिब आ जाता है और कांगड़ा से इंदौरा आ जाता है। अब इनको मैप में देख लेते हैं। ये जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है ये हमारा आ गया ड्राई टेम्परेट जोन, और जो रेड कलर में देखने को मिल रहा है वो है
वेट सब टेम्परेट जोन, जिसमें कि पालमपुर, धर्मशाला और जो जोगिंदर नगर, डलहौजी, ये क्षेत्र आते हैं। जो ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है वो है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, और येलो कलर में जो देखने को मिल रहा है वो आ जाता है ह्यूमिड सब टेम्परेट ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ये हमें जो है देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। जैसा आप सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो होती है धर्मशाला में, और धर्मशाला में कितनी बारिश होती है, वो होती है 340 सेंटीमीटर जो रेन है वो होती है धर्मशाला में। और जो हिमाचल प्रदेश का ड्राइस्ट प्लेस है वो स्पीति, जिसको कि शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि जो हिमाचल प्रदेश है उसको एग्रो क्लाइमेट जोन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, और किस किस प्रकार से जो है बांटा गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पार्ट और जो पार्ट्स ऑफ सिरमौर, कांगड़ा, सोलन, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, उनका एल्टीट्यूड है कि वो 650 एल्टीट्यूड में जो है आते हैं। और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो होती है 1100 मिलीमीटर होती है। और जो पालमपुर, कांगड़ा तहसील जो है पालमपुर और कांगड़ा तहसील, कांगड़ा की रामपुर जो तहसील है शिमला की, और मंडी के पार्ट, कांगड़ा और सिरमौर के जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाते हैं। कितनी एल्टीट्यूड पे आते हैं, 651 से 1800 के एल्टीट्यूड में आते हैं। शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है रामपुर को छोड़कर, और कुल्लू, सोलन, चंबा, मंडी, कांगड़ा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है इनका जो ये आते हैं सब टेम्परेट वेट जोन में, जिसके की जो एल्टीट्यूड है वो है 1800 से 2200 मीटर। और जो लास्ट है वो ड्राई टेम्परेट जोन में आता है, हिल हाई हिली एरियाज है। इसमें आएगा किन्नौर, लाहौल स्पीति, और जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो है पांगी रीजन जो है इसमें आ जाता है, जो कि अब 2200 जो है मीटर है। तो आप आई होप आप सभी को इससे कुछ जानने को मिला होगा।